तकलीफ की किसी के हाथ भिजवा देती खाना। दादी वो एक्चुअली बात दादाजी का श्राद्ध है ना, और संगीत फंक्शन में सब बिजी थे इसलिए मैंने ही बना लिया। इतना सब किया तुमने मेरे लिए, और सब दादाजी की फेवरेट डिशेस, हलवा पूरी सब्जी आलू की। तुझे उनकी पसंद कैसे पता चली? राघा वो हमेशा दादाजी के बारे में बात करता रहता है, तो बस मुझे दादाजी की पसंद ना पसंद जुबान पे याद है। समझ नहीं पा रही हूँ कैसे तेरा शुक्रिया करूँ। बहुत तसल्ली हो रही है दिल में कि मेरे जाने के बाद इस घर में ऐसा एक इंसान है जो हमारे संस्कारों को परंपराओं को आगे ले जाएगा। दादी अगर आप ऐसे जाने की बातें करेंगे ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। जुग जुग जी। दादी चलिए। चरखा मेरा रंग ला, बिच चरखे दिया मैं खा, बे मैं तेनु याद करा। दादी हमने प्लेट तो रख दी कौओं के लिए, लेकिन यहाँ के कौए प्रसाद प्लेट में से कैसे खाएंगे? ऑस्ट्रियन कौए इंडियन कौओं से काफी अलग होते हैं। इंडिया में तो लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी संस्कारी ही होते हैं। दादी संभल के आइए, आइए आइए संभल के आइए, बैठिए बैठिए। ये लीजिए, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है दादी। पक्का ठीक है ना दादी? ये सारे फंक्शन में ना आपने अपनी दवाई टाइम से नहीं ली होगी और आप स्ट्रेस भी दिखते हो। हम एक काम करेंगे, कल मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, वो बस आपका चेकअप कर ले, फिर सब ठीक हो जाए। अरे कभी कभी होता है ऐसा, वरना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, चलिए पहले आप कुछ खा लीजिए। ये लॉजिक है ना मुझे समझ में नहीं आता। मामला चाहे जो भी हो, सॉरी या थैंक यू हमेशा मर्दों को ही बोलना पड़ता है, और ये औरतें बाय डिफॉल्ट जीत जाती हैं। यार इन्हें कभी कभी तो सोचना चाहिए ना कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये लो बेटा, बड़ा केक बनाने चला था, मास्टर शेफ बनना है। चला हुआ केक पर ठीक है ना, पहली बार केक बना रहा हूं तो ऐसा ही तो बनेगा। थैंक्स टू ऑनलाइन रेसिपीज कम से कम इतना तो बन पाया, नहीं तो इन्हें देखो केक बनाने के बाद भी कितने फ्रेश लग रहे, और मुझे देखो एक केक बनाने में पसीने छूट रहे। ये केक नहीं, केकवा लग रहा है, ज्वालामुखी से निकला हुआ पत्थर लग रहा है ये। बट सो व्हाट, केक को नहीं देखना चाहिए जनाब, केक बनाने वाले की फीलिंग्स को समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए। वैसे भी मैं ये केक नैना को सॉरी बोलने के लिए बनाया है, क्योंकि उसने जो ब्यूटीफुल केक बनाया था उसको तो मैंने वेस्ट कर दिया। बट आई एम श्योर प्रोफेसर विल अंडरस्टैंड। How dare you? क्या छुपा रहे हो वहां पे? अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो राघव। मैं नीचे गिरा हूँ? मैं ऐसा क्या किया है मैंने? क्या बोल रही हो? आज तो तुमने सभी हदें पार कर दी राघव। How could you do this? रोज के काम से मन भर गया इसलिए ऐसी जगह वार किया जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है। How could you do this? Below the belt attack. कहाँ वार किया, क्या बोल रही हो तुम, मैंने किया क्या है? जान दो। तुम्हारे लिए केक बनाना बिलो द बेल्ट अटैक कैसे हो गया? नैना, ये नैना क्या कर रही हो तुम? तुम समझते क्या अपने आप को? तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे ना, तुम ये चाहते थे ना
कि मैं अपने आप से नफरत करूं, इसलिए तुमने ये केक बनाया। स्मार्ट मूव। ओह, तो ये बात है। जो मैंने उसके साथ किया था, नैना भी वही मेरे साथ कर रही है, मुझे गिल्टी फील कराने के लिए। नो प्रॉब्लम नैना, तुम जानती नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है। ब्रिंग इट ऑन नैना। I'm really sorry, मुझे माफ कर दो। मैंने वैसे ही बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। बहुत ही गंदा तरीका था सॉरी बोलने का। चला हुआ केक खिलाने वाले थे तुम मुझे, और बाय द वे सॉरी में ना दो आर लगते, समझे? इडियट कहेंगे। हनीमून के लिए तुम्हें सिर्फ एक टिकट बुक कराई, एक टिकट। अरे लिसन टू मी। जाऊंगी हमारे हनीमून पे। संजू काम डाउन। एक मिनट, क्या मैं इतनी बैड लुकिंग हूँ कि मुझे अकेले अपने हनीमून पे अकेले ही जाना पड़े? ऐसा कुछ नहीं है, लिसन टू मी यार, जस्ट काम योरसेल्फ डाउन। क्या अबे लग जाएगा। यही सारी चीजें मायने रखती है ना तुम्हारे लिए वीर। सेवन स्टार कंफर्ट, लग्जरी क्रूज, वर्ल्ड क्रूज। कभी किसी के फीलिंग्स के बारे में सोचा है तुमने? I'm really sorry. मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आती। But वीर, तुम बहुत insensitive। तुम्हें अभी भी शादी की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है ना? शादी एक ऐसा रिश्ता है जो प्यार के बिना अधूरा है। तो आत्माओं का मिलन है, किसी कागज पे लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तुम इतने सुपरफिशियल कैसे हो सकते हो वीर? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये लग्जरीज की वजह से किसी का हनीमून अच्छा हो जाएगा? नहीं वीर, हनीमून इज नॉट अबाउट लग्जरी। ये तो एक ऐसा वक्त है जहां आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहो। एक ऐसी रात जहां तारों से भरे आसमान में चांद निकल आए और उस आसमान के नीचे समंदर के किनारे बस एक सिंपल सी वॉक कर लो। वो तुम्हारे लग्जरी से कहीं बेहतर होगा। संजना, आई एम सॉरी, एक्चुअली गलती मेरी है। वो तुम्हारे हनीमून के टिकट्स की जिम्मेदारी मेरी थी और मुझसे गलती हो गई। सो बट डोंट वरी, आई विल फिक्स इट। तुम दोनों हनीमून साथ में ही जाओगे। क्या बोला है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो आसमान में पूरा चांद होता है उसका मतलब फुल मून नाइट, राइट? तो ऐसे नाइट पर कोई बीच पर वॉक पर क्यों जाएगा? फुल मून नाइट पर लोग बीच पर वॉक करने क्यों नहीं जाएंगे? नैना, तुम पक्का प्रोफेसर ही थी ना? मतलब प्रोफेसर होके तुम इतना नहीं जानती कि फुल मून नाइट पर तो हाई टाइड्स होते हैं ना, तो प्यार करने के लिए बचेगा ही कौन? हाई टाइड्स तो तुम्हारे पार्टनर को समुंदर के अंदर ही ले जाएगा ना। एक और बात, वो बेस्ट शेफ्स वाली जो वर्ल्ड क्विजीन है उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो नहीं रहेगा तो खाना क्या खाओगे? सैंड। और पानी क्या पियोगे? समुंदर का खारा पानी। बिल्कुल सही कहा। वैसे एक बात पूछूं? ऑफ कोर्स पूछो। वो टिकट बुकिंग वाली जो गलती हुई वो एक्सीडेंटली हुई? ऑफ कोर्स एक्सीडेंटली हुई है, कोई जानबूझकर ऐसे थोड़ी ना करता है। मैं भी वही सोचू। आई मीन, तुम्हें देख के तो ऐसे ही लगता है कि तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो, कभी कोई चीज भूलते नहीं हो, सब कुछ डिटेल में याद रहता है, लेकिन टिकट कैसे हो सकता है?
इतना बिजी रहता हूँ, काम है मुझे बहुत, और इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ हो जाती है, भूल गया हूँगा। एब्सोल्युटली, आई मीन दो लोगों के हनीमून पे सिर्फ एक ही टिकट बुक करना हो सकता है ना? यू श्योर ये एक्सीडेंटली हुआ था ना, या फिर किसी की आंखों में आंसू देखकर तुम मजबूर हो गए और तुमने ब्लेम अपने आप पे ले लिया? ओह नो, नैना को पता चल गया कि मैंने वो ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। क्यों करता हूँ मैं ऐसा, साफ साफ दिख रहा है, इसकी वजह से नैना को तकलीफ होती है, ऑलवेज बिकॉज ऑफ मी। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो इट्स ओके। कैसे मेरी हर बात समझ लेती है ये, बिना कुछ कहे मेरी तकलीफ समझ लेती है। देखो तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, तुम्हें प्रोफेसर नहीं डिटेक्टिव होना चाहिए था, और ऐसा कुछ है नहीं जैसा तुम सोच रही हो, और अभी हमें घर चलना चाहिए, तो चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।